हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी महाजन है, मैं चंबा से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से एक और डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बचपन से ही हमारे घर में बहुत भक्तिपूर्ण माहौल था। 3 टाइम भोग लगना, आरती करना और बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना हमारे घर में होता था। फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई और फिर एटमोस्फेयर चेंज हुआ, घर की जिम्मेवारियां बड़ी और फिर कहीं ना कहीं जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी जो हम शुरू से करते आ रहे थे कहीं ना कहीं छूट गई। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी डिजायर जरूर होती थी कि कहां से मैं स्टार्ट करूं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन भगवान से प्रेयर जरूर करती थी कि भगवान, मैं क्यों नहीं एक्टिविटीज वो कर रही जो हम बचपन से देखते आ रहे थे। तो भगवान की कृपा कुछ ऐसे हुई कि मेरे हस्बैंड जो थे वो गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ गए। उन्होंने डिवोशनल एक्टिविटी स्टार्ट की, भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, नाम जाप करना स्टार्ट किया, और उनसे मुझे भी मोटिवेशन मिली क्यों ना मैं भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करूं। तो फ्रेंड, जब मैंने स्टार्ट की, मेरे फ्रेंड्स जुड़े, मेरे सिस्टर इन लॉ जुड़े, बहुत सारे रिलेटिव इस ग्रुप के साथ जुड़े। तो फ्रेंड्स, सच में हम लोग एज ए फैमिली बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को। तो फ्रेंड्स, कैसे भगवान, जब हम लोग डिजायर्स रखते हैं इस तरह की, तो भगवान कैसे किसी ना किसी के थ्रू वो डिजायर्स हमारी पूरी करते हैं। तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था कि कैसे मेरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 20 साल तक मैंने जो नहीं की, और कैसे भगवान ने माध्यम बनाया गोलक एक्सप्रेस को, और मैंने फिर से वही चीजें स्टार्ट कर दी जिसमें भोग लगाना या और चीजें बहुत सारी मैंने जो की। तो भगवान कैसे हमारी हर डिजायर्स को पूरा करते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।